हेलो दोस्तों, आज बनाने वाली है इम्यूनिटी से भरपूर ड्रिंक जो कि बहुत ही हेल्दी होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। तो आइए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। यहाँ मैंने 1 कप आलमंड लिए हैं। आलमंड को है जो हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। जब ये थोड़े क्रंची हो जाए तो हमें है जो इन्हें एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब लेंगे मैं यहाँ पर 1/2 कप काजू। काजू को भी हल्का सा रोस्ट करना है क्योंकि पैन है जो बहुत गर्म है, तो 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। काजू है जो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। और सभी को अलग पैन में निकाल लीजिए। अब यहाँ पे लेंगे 1/4 कप अखरोट और 1/4 कप हमने लिया है पिस्ता। इनको भी बस 1 से 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम में। और सभी को ट्रांसफ़र कर लेना एक अलग से प्लेट में। यहाँ हमने लिया है ताल मखाना, जिसे हम लोटस सीड भी कहते हैं। अच्छी तरह से चलाते हुए इन्हें रोस्ट कर लीजिए और देखेंगे इसे तोड़ के ईजिली टूट जाए, इसका मतलब ये अच्छे रोस्ट हो गया है। तो इसे भी हम ये जो एक थाली में या प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बच्चे जो कुछ खाते पीते नहीं हैं तो इस तरह की ड्रिंक बना के हम उन्हें दे सकते हैं। तो ये जब देखोगे पटपट की साउंड आने लग जाए तो आप है जो इन्हें निकाल लीजिए। अब थोड़ी देर है जो सबको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये इम्यूनिटी पाउडर इतना अच्छा है और इतना सेहत से भरपूर है कि अगर बच्चा है जो खाना नहीं खाता तो आप इसे 2 चम्मच गर्म दूध में डाल के सुबह और शाम दे सकते हो। आपको देखोगे 10 दिन में ही बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो सभी को है जो सारे को इसी तरह डाल करके ग्राइंडिंग जार में हमें इनको बारीक पाउडर बना लेना है। इसी तरह से देखिए सभी को मैंने अच्छे से रोस्ट किया था और थोड़ा ठंडा करके मैं इन्हें जो पीस लूँगी। और स्वीटनेस के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 कप मिश्री। आप चाहें तो जैगरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ इलायची है जो फ्लेवर के लिए। तो इन्हें बारीक पाउडर बना लेंगे और है जो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन इसलिए करेंगे क्योंकि अगर कोई भी दरदरा या मोटा पीस रह गया हो तो वो थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत डिलीशियस टेस्टी पाउडर बनकर रेडी हो गया है। और अब इस पाउडर को जो है मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। देखिए फाइन पाउडर एकदम रेडी हो गया है। पाउडर है जो बिल्कुल फाइन है एकदम से। तो यहाँ पे है जो 1/2 डिवाइड कर लिया है। अब एक में मैं ऐड करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून भर के कोकोआ पाउडर। आप चाहे तो कोकोआ पाउडर की जो क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद होता है ना, इसलिए मैंने इसमें कोकोआ पाउडर ऐड किया है। और दोनों को आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और सुबह शाम गर्म दूध में दीजिए। देखिएगा बच्चों में बहुत ही असर नज़र आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर।